हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इस साल यह तिथि मंगलवार यानी आज के दिन पड़ रही है। भारत के कई हिस्सों में इस दिन गुड़ी पड़वा, उगादि, चैत्र नवरात्रि और विक्रम संवत 2081 जैसे त्योहार मनाए जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप गुड़ी पड़वा या विक्रम संवत 2081 सेलिब्रेट करते हैं तो आज के दिन आपको कुछ खासियत भी जान लेनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं गुड़ी पड़वा उत्सव के बारे में। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा तिथि के दिन गुड़ी पड़वा त्योहार मनाया जाता है। इस तिथि से हिंदू वर्ष की शुरुआत होती है। गुड़ी पड़वा चैत्र महीने के पहले दिन मनाते हैं। इसके साथ ही नव वर्ष का शुभारंभ हो जाता है। गुड़ी पड़वा मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाई जाती है। इस खास अवसर पर मराठी समुदाय के लोग नए कपड़े पहनकर अपने घरों के बाहर समृद्धि के प्रतीक गुड़ी को लगाते हैं और पूजा करने के बाद लोगों के साथ मिलकर इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। वहीं पंडित पंकज मेहता जी के अनुसार गुड़ी पड़वा के दिन देवी माँ को खास तौर पर लाल वस्त्र, गुलाब का इत्र और लाल पुष्प अर्पण करने से वह अत्यंत प्रसन्न होती है। तो चलिए इस प्रक्रिया को और भी विस्तार से समझते हैं। हमारे यहाँ चार नवरात्रियों का विधान है, उसमें चैत्र नवरात्रि की बहुत महिमा है। वो इसलिए भी है क्योंकि हमारा जो वर्ष है वो वर्ष आरंभ इसी नवरात्रि से होता है। शास्त्रों में वर्णन आया है कि महाशक्ति की प्रेरणा से, दिव्य शक्ति की प्रेरणा से, आदि शक्ति की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि का कार्य आरंभ किया था। इस दृष्टि से भी ये चैत्र नवरात्रि जो है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए भी उपासना की दृष्टि से बहुत ये समय श्रेष्ठ होता है, अपने अपने कल्याण के लिए भी, समाज के कल्याण के लिए भी और राष्ट्र के कल्याण के लिए भी ये इसमें उपासना करना अति महत्वपूर्ण है। उपासना कोई भी कर सकते हैं देवी की सन्निधि में, देवी के साथ, तो ये भी इसमें किया जा सकता है। तो जिसका जो इष्ट होगा वो इष्ट की उपासना कर सकते हैं। लेकिन इसमें जैसे देवी की यदि हम बात करें तो देवी के विभिन्न विभिन्न दिनों पर विभिन्न विभिन्न स्वरूपों की पूजा के साथ ही उनकी पूजन के विधान, जैसे अब मैं एक उदाहरण दूंगा क्योंकि ये तो गुरु परंपरा वाला विषय है, लेकिन जैसे प्रतिपदा है तो हमारे देवी भागवत के अनुसार और उसमें जैसे मैंने कहा कि पंचांग के 5 अंग हैं, तो प्रत्येक वार, प्रत्येक तिथि, प्रत्येक मास का विभिन्न अलग अलग भोग देवी को अर्पण किया जाता है। उससे उसका तो अधिक नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि प्रतिपदा को ये प्रयोग करेंगे तो देवी की बहुत प्रसन्नता प्राप्त होगी। उस दिन देवी को लाल वस्त्र अर्पण करें प्रतिपदा, यानी जिस दिन गुड़ी पड़वा होगी उस दिन लाल वस्त्र अर्पण करें। उस दिन देवी को गुलाब का इत्र अर्पण करें। उस दिन देवी की पूजा में रक्त पुष्पों से देवी की, लाल फूलों से देवी की पूजा करें। उस व्यक्ति को देवी की अत्यंत कृपा प्राप्त होगी। ये देवी पुराणों के उनके आधार पर ये मैं बता रहा हूँ जो गुरु परंपरा से प्राप्त हो। तो गुड़ी पड़वा के दिन का ये सबसे पहले एक सुंदर लाल वस्त्र को माता की मूर्ति या तस्वीर पर अर्पण करें। इसके बाद गुलाब की इत्र की कुछ बूंदें माता की मूर्ति पर छिड़कें। अंत में लाल पुष्पों को माता के चरणों में अर्पण करें। पंडित जी का ये कहना भी है कि इस दिन किए गए तप, जप और पूजन का फल अत्यंत शुभ होता है, इसलिए इस दिन को पूरी श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए। लोकल 18 खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी ज्योतिष आचार्य अनुसार है, लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।